देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद, मैं मस्जिद के बगल में खड़ा हूँ। और ये पीछे मॉल रोड, पीछे नैनी लेक, भूटिया मार्केट, नैना देवी का मंदिर, नैनी लेक गुरुद्वारा और दोस्तों ये रास्ता चला जा रहा है भूटिया मार्केट नैना देवी टेम्पल की तरफ। ये रास्ता भी एक ही तरफ निकल रहा है, देखिए लोगों ने अपनी अपनी पसारें खोल दी है। ये मार्केट इलाका, और ये है यहाँ का फेमस मोमो इटरी, सोनम फास्ट फूड। अगर आप नैनीताल आओ तो सोनम फास्ट फूड के मोमोज को जरूर टेस्ट कीजिएगा। देखिए दोस्तों सोनम फास्ट फूड और उसके पास ही सारे मोमो, इतने यहाँ के मोमो इतने पॉपुलर हैं कि कोई अगर नैनीताल आता है तो उनके मोमो को जरूर टेस्ट करता है। सोनम फास्ट फूड टिबेटन मार्केट नैनीताल। नैना श्री नैना मैया का मंदिर, देवी मंदिर, और वो है गुरुद्वारा। अब अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो अगर आप तिब्बतन मार्केट आते हो तो खाने की यहाँ पे प्रचुर व्यवस्था है। चाइना टाउन, मैंने कल यहाँ से छोले भटूरे खाए थे जो काफ़ी स्वादिष्ट थे। तो अगर आप कभी भी आओ तो चाइना टाउन के छोले भटूरे, आलू गोभी के पराठे, गोभी के पराठे, मूली के पराठे वगैरह वगैरह आप खानों को टेस्ट कर सकते हो। Yeah.
से थे? ये वो चाइना टाउन जिसकी बात मैं कर रहा था। This is famous Tibetan market in the vicinity of Naini Lake. आज 21 मई मेरे नैनीताल सफर का आखिरी दिन। सुबह से इतनी बारिश हो रही थी, असल में नैनीताल आया तो इतनी बारिश का सामना करना पड़ा कि बाहर मैं कहीं ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं कर पाया। तो जहाँ तक हो सका मैंने एक्सप्लोर किया और आज मैं मसूरी के लिए निकलने वाला हूँ। मैंने दोपहर का खाना खा लिया है। होटल एरोमा का खाना काफ़ी स्वादिष्ट है और अगर आप ओयो रूम्स में बुकिंग करते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट तो आपको मिलता ही है। तो और एरोमा की सबसे खास बात यह है कि आप नैनीताल के अगर सेंटर में जाओ तो वहाँ से अगर आप रिसेप्शन में फ़ोन करते हो तो ये आपको लेने के लिए गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं। सुबह के 8:30 बजे से 10:30 बजे तक इनके यहाँ खाने की व्यवस्था है कॉम्प्लीमेंट्री। इनके जो खाने हैं काफ़ी स्वादिष्ट है। दोपहर का खाना भी मैंने यहाँ पे खाया हुआ है, काफ़ी स्वादिष्ट है। तो बस आपसे आज नैनीताल से अलविदा लेना चाहता हूँ। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी मसूरी में। अगर हो सके तो मैं जाते वक्त आपके लिए कुछ शूट जरूर करूँगा अगर मुझे मौका मिला तो। अगर बारिश वारिश नहीं आई तो मैंने सुना है कि आगे रास्ता लैंडस्लाइड के कारण बंद हुआ है तो मेरा मुझे 7:30 बजे की गाड़ी पकड़नी है, 7:45 की। तो यहाँ मुझे बोल रहे हैं कि आपको 4 बजे निकलना होगा क्योंकि तब तक रास्ता कुछ क्लियर मिलेगा। जितना मैं लेट निकलूँगा उतना ही यहाँ पे ट्रैफिक की हालत बिगड़ती जाएगी और रास्ता तो वैसे ही गीला हुआ है बारिश के कारण। रात को यहाँ के ड्राइवर ज़्यादा कुछ बाहर निकलते नहीं हैं तो इस कारण जल्दी निकलना होगा। देखते हैं कहाँ तक मैं क्या कर पाता हूँ आपके लिए। बने रहिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं कल नैनीताल मसूरी में। सॉरी नैनीताल में हैंग ओवर है ना, मैं निकाल नहीं पाया हूँ। तो कल मसूरी में मिलते हैं। थैंक यू।